गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज़ योर इंग्लिश सेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश ग्रामर और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर सेवेंटीन कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और बुक से पहले मैं ये आपको नोटबुक में करवाना चाहती हूँ कॉम्प्रिहेंशन uh, क्या होता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग होता है समझना मतलब आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दी होती हैं एक पैराग्राफ एक पैसेज दिया होता है छोटा सा जिसको आपको पढ़ के समझना होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करते हैं है ना जब मैम आपको लेसन रीड करवाती है आप क्वेश्चन के आंसर लर्न करते हो और जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आप वो लर्न किए हुए आंसर लिखते हो लेकिन कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजी होता है आपको इसको बस थोड़ा सा समझना होता है ठीक है और समझ के इसी में से आपको सब आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं ठीक है थीके? तो लेट स्टार्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चनस रीड मतलब कि आपको पढ़ना है फॉलोइंग पैसेज यानी जो नीचे आपको पैसेज दिया गया है पैसेज क्या होता है uh, कुछ लाइन्स होती हैं एंड आंसर दीज क्वेश्चन्स और इसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके आपको क्या लिखने हैं आंसर लिखने हैं uh, पहले आप इस पिक्चर को देखिए तो आप इसको देखकर समझ ही रहे हैं कि ये एक लेमन है है ना तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा है चलिए हम पढ़ते हैं दिस इज़ अ लेमन यह एक लेमन है ठीक है नींबू है इट इज़ यलो क्या आ, कौन सा कलर है इसका येलो है हम सब जानते हैं लेमन का कलर येल्लो होता है इट ग्रोज ऑन ट्रीज ग्रो क्या होता है उगना और ये कहाँ पर उगता है ट्रीज़ पर है ना इट इज़ राउंड और इसकी शेप कैसी होती है राउंड होती है गोल होता है ये इट इज़ सार और इसका टेस्ट कैसा होता है सार होता है मीन्स खट्टा होता है इट इज़ सॉफ़्ट फ्रूट और ये किस तरह का फ्रूट होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है जैसे कि आप लेमन को अपने आ, हाथ से आ, अगर उसको प्रेस करोगी दबाओगे तो वो कितनी ईजिली स्क्वीज़ भी हो जाता है ना मम्मी उसको कट करके अपने हैंड से स्क्वीज़ करती हैं हाथों से निचोड़ती हैं राइट right? तो अब इसमें से चलिए मैंने इसकी हिंदी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है और बहुत ही इजी है आपको ये वर्ड समझ में आ ही गए होंगे तो हम देखते हैं कि इसमें से हमें क्या क्वेश्चंस दिए हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन है वट फ्रूट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट मतलब कि क्या फ्रूट वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब वी हम और टॉकिंग अबाउट कौन से फ्रूट के बारे में हम यहाँ पे टॉक टॉक क्या होता है बात करना तो हम यहाँ कौन से फ्रूट की बात कर रहे हैं मतलब ऊपर वाले पैसेज को पढ़ के आपको क्या समझ में आए या किस फ्रूट के बारे में बताया गया है तो ये तो बहुत ईजी है कि यहाँ पर लेमन के बारे में बात हो रही है तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है लेमन ओके okay? तो यहाँ लिखा है ना दिस इज अमन तो आपको यहाँ के आंसर लिखना है लेमन वट कलर इज द फ्रूट वट कलर यानी कि क्या रंग इज द फ्रूट इस फ्रूट का कौन सा कलर है तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज येलो तो आपको बिल्कुल सेम एज आंसर लिखना है इट इज येल्लो यानी ये येलो कलर का है और आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको एज इट इज आपकी नोटबुक में करना है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यर डज द फ्रूट ग्रो ग्रो वैसे मैंने बताया ही था ग्रो मतलब होता है उगना तो वेयर डज द फ्रूट ग्रो ये फ्रूट कहाँ पर ग्रो होता है कहाँ पर उगता है तो यहाँ जैसे लिखा है इट ग्रोज ऑन ट्रीज तो आपको सिमिलरली यही लिखना है इट ग्रोज ऑन ट्रीज ये पेड़ों पर उगता है ओके okay? और आपका लास्ट क्वेश्चन है इज द फ्रूट हार्ड और सॉफ्ट इज़ द फ्रूट हार्ड और सॉफ्ट का मतलब है कि क्या ये फ्रूट हार्ड है मतलब बहुत सख्त है या सॉफ्ट है तो जैसे आपको पढ़ा ही है आपने और आप जानते ही हो कि जो लेमन है बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो आपको यही लिखना है इट इज़ सॉफ्ट फ्रूट तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया है तो आपको सबसे पहले बस यही करना है कि कॉम्प्रिहेंशन को रीड अच्छे से करना है उसको समझने की कोशिश करनी है तो आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को बिल्कुल इजीली आंसर सभी इसी में से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे इसी तरह से आपको लेमन का पिक्चर बना के उसके बारे में ये फ्यू लाइन्स लिख के और इन क्वेश्चन के आपको आंसर्स लिखने हैं ठीक है थीके? और लेमन के बारे में आपको ये लाइंस इसलिए ज़रूर लिखनी है कि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको ये समझ में आए कि मैंने इस क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ से लिखे हैं ओके क्लास सो डू दिस प्रैक्टिस एट होम और अच्छे से आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और जो भी आप वर्ड रीड करते हैं हर उस वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच